आप लोग जो टाइप करोगे बस वही इमेज बनेगा, और उस तरीके से जो चीज लिख रहे हैं आप वहां पे वो इमेज ना बने तो नाम बदल दीजिएगा मेरे चैनल का, और मैं उस दिन ही अपना यूट्यूब छोड़ दूंगा। हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एआई से क्रिएट कैसे कर सकते हैं बहुत सारा इमेजिंग सा क्रिएट इमेज। तो आज मैंने अपने यूट्यूब पे देखा बहुत जगह कि बहुत अट्रैक्टिव इमेज को क्रिएट करा जा रहा है एआई के माध्यम से, और मैंने अभी फोन पे भी मैंने देखा कैसे करा जाता है। तो मैंने सोचा कि लाओ आपको भी बताते हैं एक बार। आप लोग एक बार साइड में स्क्रीन पे देखिएगा कि किस तरीके से कितने क्रिएटिव तरीके से इमेज को क्रिएट किया जा रहा है, और मैंने अभी देखा सब मार्केट में क्या आ गया। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे मैंने अभी अपना जितने भी इमेज को क्रिएट किया है, पे देख सकते हैं आप लोग मेरे स्क्रीन पे कि किस तरीके से कितना क्रिएटिव इमेज यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको दे रखता है मॉडल, आपको जो बनाना है आप लोग बना सकते हैं, जिस तरीके से बनाना है आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि ये एआई बहुत ही ज्यादा एडवांस है। इस टाइम हर एक काम आप लोग एआई के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग इमेज को क्रिएट कर रहे हैं एआई से, और मैं दिखा रहा हूँ कपल फोटोज भी बना सकते हैं आप लोग इस एआई के माध्यम से। मैंने अभी देखा कि कपल इमेज कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, क्या नहीं बनते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से भी इमेज आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से झूले में बैठे हुए दो लोग का फोटो भी क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल एआई के माध्यम से। इतना ज्यादा क्रिएटिव इमेज हमने आज तक ऐसे एडिटिंग को कोई कहे कि लाओ एडिटिंग करके हम लोग बना ले तो नहीं है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा कोई इमेज को क्रिएट करे, क्योंकि एआई में इतना एडवांस सिस्टम है ये हर एक चीज। इस तरीके से इमेज क्रिएशन बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो आज मैं आपको भी यही सिखाने वाला हूँ कि आप लोग इस तरीके से एआई से माध्यम से कैसे इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे इमेज हैं जैसे कि हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी अपने नाम को लिखकर पीछे बैकग्राउंड में लैम्बो पे खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं, अपने फेस को दिखाकर हम लोग फोटो बना रहे हैं, ये बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का ये फोटो एडिटिंग है। चलिए हम लोग सीखते हैं और बताते हैं आपको किस तरीके से आप लोग बना सकते हैं इमेज को, इस तरीके से ऐसे इमेज एडिट कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को, और मैं आपको दिखाता हूँ शुरू से अब कि किस तरीके से आपको अपना इमेज क्रिएट करना है। आप लोगों को जो बनाना होगा आप लोग यहाँ से बिल्कुल आसानी से क्रिएट कर सकते हैं वन क्लिक में। आपको कुछ नहीं करना है, बस मैं आपको प्रॉम्प्ट दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर वहां से आप लोग कॉपी पेस्ट करके आप लोग इतना इमेजिंग सा इमेज क्रिएट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया के लिए, अपने व्हाट्सएप डीपी के लिए। आपको अपना वॉलपेपर लगाना आप लोग हर जगह लगा सकते हैं, क्योंकि ये इमेज बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है, मैं कह रहा हूँ है, आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए किसी भी तरीके से मैं आपको इमेज दिखाता हूँ क्रिएट करके, जैसा भी हो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये लैम्बो वाली फोटो एडिट करी थी, तो सेम इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ एडिट करके, जो आपको बनाना होगा आप लोग वो चीज बना सकते हैं बिल्कुल, इतना आसान है बनाना। चलिए सबसे बैक जाते हैं, हम शुरू स्टार्ट करते हैं वीडियो को, अब कैसे करना मैं आपको वो बताता हूँ। अब तो सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन करना है। जैसे ही गूगल पे क्लिक करते हैं तो गूगल का खुलने के जस्ट बाद आपको सर्च पे सर्च करना है वेंग इमेज, वेंग इमेज क्रिएटर। जैसे ही आप लोग वेंग इमेज क्रिएटर पे क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको सबसे फर्स्ट लिंक ही आ जाता है इमेज क्रिएटर करके। यहाँ पे देखिए जो साइट का नाम है www.veng.com, तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग फर्स्ट लिंक पे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने वेंग इमेज का एक ऑफिशियल साइट खुलता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट से लॉग इन करना पड़ता है। मैंने तो ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है, आप भी लॉग इन कर लीजिएगा। उसमें आपका जीमेल डाल के आप लोग जीमेल से ही लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आता है इस तरीके से कुछ इंटरफेस, जहां पे कि आपको यहाँ पे टाइप करना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रॉम्प्ट को कॉपी करके रखा है, ये कॉपी को इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग जाइएगा वहां पे डाल लीजिएगा। जैसे आप लोग पेस्ट करेंगे तो आपका एक नाम वहां पे आ जाएगा, और ये बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं, अपने नाम का भी बना सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करिएगा, मैं वहां पे 75 ऐसे प्रॉम्प्ट लिख के दूंगा कि आपको नया नया इमेज बना लीजिएगा सोशल मीडिया पर जो यूज करना होगा आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। तो आप जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो क्रिएट पे क्लिक करने के जस्ट 10 सेकंड बाद आपके पास एक ऐसा इमेज क्रिएट होता है कि आपका जो दिमाग है चक्रिया जाएगा। तो आप लोग देखते रहिएगा इस वीडियो को, लेकिन भाई यहाँ पे नेक्स्ट लेवल हो रहा है इमेज एडिटिंग, इतना मैं कह रहा हूँ खुद से, ये मेरा पर्सनल एडिटिंग एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने कभी भी अपना फोटो एडिट करा हो या फिर जो भी करा हो, ऐसा नहीं हुआ है कभी। ये देखिए भाई, लुक वाइज जो फोटो यहाँ पे एडिट हो रहा है नेक्स्ट लेवल हो रहा है। सेम मैचिंग है, रेड लैम्बो, ब्लैक शर्ट पैंट,
आप लोग को चाहे तो ये सब जो भी कलर है आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए ब्लू लैम्बो तो आप लोग ब्लू लैम्बो भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो अपना शर्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे डालो व्हाइट शर्ट, ब्लैक की जगह व्हाइट कर लो, व्हाइट शर्ट और लैम्बो का जो कलर है रेड से आप लोग इसको ब्लैक कर लो। अभी देखिए कितना, देखिए मैंने थोड़ा सा अपने प्रॉम्प्ट में थोड़ी सी एडिट करी और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना नेक्स्ट लेवल के यहाँ पे इमेज आए हैं। अभी मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट वेट करिए। और आप लोग चाहते हैं कफल फोटो को एडिट करना तो वो भी मैं दिखा रहा हूँ अभी एडिट करके अपने इस वीडियो के माध्यम से ही। आप लोग इस तरीके से ही मेरे वीडियोस को और चैनल को फॉलो करिएगा क्योंकि मैं इस तरीके से नेक्स्ट लेवल का ही फोटो एडिटिंग वीडियो लाने वाला हूँ आगे से। मेरा 10-15 वीडियोस अब इसी पे आएंगे, AI से रिलेटेड ही आएंगे, वीडियो एडिटिंग के बारे में मैं बताऊंगा इस तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एडिटिंग हो रही है। ये देखिए मैंने अभी चेंज किया वहाँ पे व्हाइट शर्ट और ब्लैक लैम्बो को, तो यहाँ पे देखिए ब्लैक लैम्बो भी आ चुका है। और यही देखिए कपल फोटो के लिए यहाँ पे है, तो सेम ही इस तरीके से ही आप अपना भी एक फोटो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने फोटो पे क्लिक करा था, यहाँ पे नाम, दो नाम लिख कर आ रहे हैं, तो आप लोग चाहो तो अपना नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ भी है, अमित है, तो मैं यहाँ पे अपना किसी का नाम डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे सुनील लिख दिया था। यहाँ पे देखिए जैसे सुनील लिखते हैं तो आपका जो शर्ट पे जो हुडीज पे नाम लिखा हुआ वहां पे चेंज हो जाएगा। और आप चाहो तो जो शर्ट या फिर हुडीज जो पहना रखे आप उसको भी चेंज करा सकते हैं अपने टाइपिंग से। तो मैं आपको ये प्रॉम्प्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करिएगा, मैं वहां पे अपना ये लिंक डाल दूंगा प्रॉम्प्ट का। प्रॉम्प्ट यही होता है जो मैंने लिख कर यहाँ पे इमेज को क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सुनील के नाम से भी एक एडिटिंग इमेज आ चुका है। तो ये देखिए बहुत ही ज्यादा स्मूथली ये इमेज क्रिएट करता है यहाँ पे, वो नेक्स्ट लेवल है ये। देखिए मैंने पहले कुछ इमेज को क्रिएट कर रखा था कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम डाल रखा था, सेम इस तरीके से भी आप लोग बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आसान है ये इमेज को क्रिएट करना। तो चलिए अब मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से साइट कौन सा है, कहाँ पे किस तरीके से आपको एडिट करना है। तो मैं ये जो प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है ये मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि किस तरीके से आप लोग यहाँ बना सकते हैं इसको, किस तरीके से आपको एडिट करना है। तो आप लोग जाइएगा फटाफट से एडिट कर लीजिएगा और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जाके टैग करिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे मैंने आईडी दे रखा है टेक्निकल अमित सानी 108, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। तो आप लोग जाइएगा मुझे वहाँ पे टैग जरूर करिएगा अपना, अगर सोशल मीडिया पे आप कोई भी इमेज को पोस्ट करिएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।